Hello students, today we will read and understand revision work of half yearly exam. Take the correct answer. Number first, what did the bird say? जो birds होती हैं वो क्या कहती हैं? Sleep on, wake up, go and play. सो जाओ, wake up means उठो, go and play, जाओ और खेलो. तो birds क्या कहती हैं? Wake up. तो हम किस में टिक करेंगे? Wake up में. नंबर टू, द प्रीटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट. जो प्रीटी प्यारा लिटिल फर ट्री था वो अपनी सोने की लीव्स के साथ खुश था, लेकिन ऑल द लीव्स गोट वेट इन द रेन. जो उसकी सभी पत्तियां थी वो बारिश में भीग जाती थी. अ मैन स्टॉल देम. जो मैन थे वो उसको चोरी करके ले जाते थे जो उसकी गोल्ड लीव्स थी. तो हम किस में टिक करेंगे? आमेन स्टॉल देम. नंबर थ्री, द रैबिट हैड डैश वाइट आइज बिग आइज पिंक आइज. रैबिट की कैसी आइज होती हैं? वाइट आइज होती हैं, बिग आइज या पिंक आइज. तो हम किस में टिक करेंगे? पिंक आइज में. नंबर फोर, हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. किसको जानने की जिज्ञासा थी? एलिस को, रैबिट को या चिल्ड्रंस को? किसको जानने की जिज्ञासा थी? एलिस को. तो हम किस में टिक करेंगे? एलिस में. नंबर फाइव, व्हाट टाइम्स डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग. नेहा की जो क्लॉक थी वो मॉर्निंग में किस टाइम बजती थी? फोर ओ क्लॉक, नाइन ओ क्लॉक, सिक्स ओ क्लॉक. तो किस टाइम रिंग करती थी उसकी क्लॉक? सिक्स ओ क्लॉक में. तो हम किस में टिक करेंगे? सिक्स ओ क्लॉक में. थैंक यू.